आम जो यूजर है उसको तो पता नहीं होता कि गाड़ी पेंट है या नहीं है। रंग अच्छा डला हो तो बहुत कम चांस होता है पकड़ाई देने का। कुछ गाड़ियाँ ऐसी तैयार होती हैं, अब ये गाड़ी है जिसकी पीछे से डिग्गी डैमेज हो गई है और अगर गाड़ी वाले ने नया पार्ट डाल दिया है तो इट्स मीन कि वो पकड़ाई कम देगी ना। अगर रंग अच्छा डला हो फिर उसमें से 100 में से 80% चांस होता है कि पता चले। बाज़ अवकात गाड़ियाँ कंपनियाँ तैयार होती हैं, बहुत अच्छी तैयार हुई होती हैं, लेकिन कुछ एक आध चीज़ें ऐसी छोड़ जाते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गाड़ी पेंट हुई हुई है। जैसे ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी कंपनी से तैयार हुई हुई है, ये इसका पीस नया डाला हुआ है 2017 मॉडल की, लेकिन देखिए ना देसी पीस है ना, ये कहीं से आई है मेपा गाड़ी और ये ना इन्होंने लोकल पल्ला डाला है, जैसे हम पाकिस्तानी पल्ला कहते हैं ना। अब इस गाड़ी पे रंग ठहर नहीं रहा, अब बात समझ रहे हैं। अगर इसी को जेन्युइन पल्ला डला होता था, पेंट हुआ हुआ, तो इट्स मीन कि ये पकड़ाई ना देती ना, लेकिन अभी ये पकड़ाई दे रही है। अब आप जैसे हम जैसे सब यूज़रों को पता चल रहा है कि ये गाड़ी पेंट हुई हुई है। आम यूज़र इसी तरह चेक कर सकता है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि गाड़ी के अंदर की जो सीलें होती हैं दरवाज़ों की वो डैमेज हो जाती हैं तो उससे पता लगता है गाड़ी एक्सीडेंटेड है। उसमें दूसरा ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोटीन से गाड़ी तैयार हुई भी होती है, ज़्यादा लगी भी हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूज़र होते हैं वो गाड़ी की टीन को ऐसे टक टक करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई पेंट है। बॉनेट्स के अंदर सील होती हैं, फ्रेम्स के अंदर सीलें होती हैं जो जिसे हम उसे अपने लफ्ज़ों में मेन कुप्पे कहते हैं ना, फ्रंट फ्रॉम फ्रेम, तो वो कुप्पों को जज कर सकते हैं कि उसमें कैसा प्रोटीनें लगी हुई हैं, सीलें हैं। मोस्टली लोगों को सीलें ज़्यादा चेक करते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं एक्सीडेंट होकर माइनर सी लगी होती है, हम गाड़ी वाले को कह देते हैं कि गाड़ी ठीक है, लेकिन जो मेन एक्सीडेंट गाड़ी होती है वो पता चल जाता है हमें कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है, ये तैयार हुई हुई है। यूज़र खाली ये देख सकता है कि गाड़ी एक्सीडेंटेड ना हो, सीले हो, बाकी जो है वो एक्सपर्ट बंदा ही बता सकता है कि भाई पेंट है या नहीं है।